बैक व्यूअर्स, मैं संदीप आपसे भी काम आ रही यूट्यूब चैनल सनराइजर्स एजुकेशन विला में आज के सेशन में हमारी टीम की तरफ से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में डियर फ्रेंड्स हम नंबर एंड नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चन करेंगे और ये सभी के सभी क्वेश्चन उन सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो विद्यार्थी क्लास सिक्स में एडमिशन के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और सेशन शुरू करने से पहले मैं सभी फ्रेंड से कहना चाहूँगा यदि वो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का एक बटन है उसे भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ द पैलेस वैल्यू ऑफ टूज इन 4,28,721 इज। ठीक है, तो क्या कह रहा है इसमें, इसमें पूछा क्या है, ये देखिए हमें प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ज्ञात करना है। अब प्रोडक्ट किस चीज का ज्ञात करना, पैलेस वैल्यू का। ठीक है, अब पैलेस वैल्यू आपको पता है कि पैलेस वैल्यू क्या होती है, जो नंबर सिस्टम में जिस भी डिजिट की आपको पैलेस वैल्यू निकालनी है वो नंबर पहले आपको लिखना पड़ता है और उसके बाद जितने भी डिजिट है उतनी ही जीरो आपको वहाँ पे लगानी पड़ती है तो वो आपकी पैलेस वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, 4,28,721 है, 4,28,721 है। अच्छा जो टू है ना, वन मिनट, इसमें जो ये टू है इसके आपको क्या करनी है, पैलेस वैल्यू ज्ञात करनी है पहले। ठीक है, पहले इसके हमने टू की पैलेस वैल्यू ज्ञात करी, टू के बाद कितनी डिजिट है, 1, 2, 3 और 4 डिजिट है, 4 डिजिट होगी। ठीक है ना, 4 जीरो होगी ना, 1, 2, 3 और 4 डिजिट है तो 4 जीरो होगी। उसके बाद एक टू यहाँ पे भी है, अब इस टू के बाद कितनी डिजिट है, एक डिजिट है तो 10 यहाँ पे होगी। ठीक है, तो इन दोनों का आपको क्या ज्ञात करना है, इन दोनों का आपको प्रोडक्ट ज्ञात करना है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ज्ञात करना है। तो अब इन दोनों क्या मल्टीप्लाई करेगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके करना कैसे है, पहले टू से आप पहले टू की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, 2 × 2 = 4 आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए जितनी भी डिजिट जीरो है वो आपको काउंट करनी है, 2 × 2 = 4 और 1 = 5, तो आपको 50 यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अब ये देखिए आपका कहाँ पे है, यहाँ पे आपका क्या है, 4 लाख आया है। अब 4 लाख आपका कहाँ पे था, 4 × 5 = 0 है, 4 × 5 = 0 इसमें ऑप्शन थर्ड, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा डियर फ्रेंड्स, 3 × 10,000, 3 × क्या है, 10,000 है। उसके बाद 7 × 1,000 है, प्लस में 9 × 100 है, प्लस में 0 × 10 है, प्लस में 4 इज द सेम। अब ये पूछा भी ये जो सारी वैल्यू है ये सारी कंप्लीटली वैल्यू, ठीक है, इनमें से किसके इक्वल होगी ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए हम पहले एक एक करके लेंगे, पहले हम ये वाला लेंगे, 3 × 10,000 है तो 30,000 हो गया, कितना हो गया, 30,000 हो गया। उसके बाद 7 × 1,000 है तो ये कितना हो गया, 7,000 हो गया, 7,000 हो गया। उसके बाद आपका 9 × 100 है तो 900 हो गया। उसके बाद 0 × 10 है यानी कि 0 हो गया। उसके बाद क्या है, 4 है, ये 4 हो गया। अब इनको आपको ऐड कर देना है, 4 × 0 = 4, 0 × 0 = 0, 9 × 0 = 9, ठीक है, 7 × 0 = 7, 3, तो 37,904 ये इसका आंसर आया। अब ये देखिए आपका किस में है, 37,904 ये आपका ऑप्शन थर्ड में है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, तो ऑप्शन थर्ड होगा। ठीक है, अब डियर फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ वन इज एडेड टू द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर इट विल बी द इक्वल टू। अब ये इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि यदि आप है ना एक को 7 डिजिट की जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है उसमें यदि आप एक ऐड करते हैं तो क्या आएगा। ठीक है, चलो वो भी करते हैं अभी हम। देखिए आपको पता है जो 7 डिजिट नंबर होता है ग्रेटेस्ट पूछा है तो क्या होता है, 7 × 9 होता है, 9 को हम यदि 7 टाइम लिखेंगे ना, 9 को हम कितने टाइम लिखेंगे, 7 टाइम,
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये सेवन टाइम हो गया। तो ये क्या है, सेवन डिजिट की सबसे बड़ी डिजिट है, सबसे बड़ा नंबर है। अब इसमें यदि मैं प्लस वन कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, प्लस वन कर देता हूँ, तो नाइन और वन जीरो, जीरो 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 एंड टेन, यानी कि ये क्लियर है, आपका आंसर आएगा 1 करोड़, ऑप्शन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन 4, ठीक है। डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर 9578, इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ठीक है, देखिए किसी भी संख्या की जो एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, हम कैसे करते हैं भाई, यूनिट पहले से ले लेते हैं, एट यूनिट पहले पे है आपका, ये आपका 10 पे है, ये आपका 100 पे है, ये आपका 1000 पे है, ठीक है। यदि मैं 9 को मल्टीप्लाई करूँ, 9 के बाद हम क्या लिखेंगे, 1, और 1 के बाद क्या करेंगे, 3 टाइम 0, प्लस में 5 इंटू 1 के बाद 2 टाइम 0, प्लस में 7 इंटू 1 के बाद 1 टाइम 0, प्लस में 8, तो ये इसकी क्या बनेगी, एक्सपेंडेड फॉर्म बनेगी। अब ये देख लीजिए आप किस में, 9 इंटू 1000, अब 9 इंटू 1000 आपका सेकंड में आता है, ठीक है, 5 इंटू 100, 7 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1 कर लीजिए आप, 8 कर लीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, व्हेन राउंड ऑफ टू नियरेस्ट थाउजेंड्स द नंबर 85,642 की, ये कह रहा है कि यदि हम थाउजेंड्स को राउंड ऑफ करते हैं तो 85,642 का राउंड ऑफ कहाँ तक होएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन सेकंड, 86,000, ठीक है, क्लियर है। देखिए 86,000 इसका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 6 है, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग वन डिजिट डिवाइस फ्रॉम डिजिट 5, 9, 2 एंड 6 इज। अब ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको फाइंड करना है वो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है। आप इसमें एक कंडीशन और दे दी इसने कि भी कोई भी एक डिजिट है वो क्या आएगी, ट्वाइस आएगी, ट्वाइस का मतलब क्या होता है, दो बार आएगी, ठीक है। अब कोई भी एक डिजिट दो बार आती है, हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो फर्स्ट और सेकेंड, ये दोनों हमारे ऑप्शन काम के नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी डिजिट दो बार नहीं है। अब यहाँ पे 9 है, दो बार है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, ठीक है। अब हमें कौन सी की डिजिट पता करनी, लार्जेस्ट पता करनी है ना, तो लार्जेस्ट में आपको क्या था, सबसे पहले 9 आएगा, अब 9 को ही हमें दो बार रिपीट कर देते हैं, 9, इसके बाद 6 एंड 5, तो हम भूल जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें लास्ट 4 डिजिट की डिजिट चाहिए जिसमें एक ट्वाइस होना चाहिए, दो एक एक डिजिट दो बार आनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन आपका आंसर 4 रहेगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमराइजेशन द नंबर इज रिटन एज, आपको ये नंबर बताना है कि भाई यदि हम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखें तो इसको किस तरीके से लिखेंगे। देखिए जब भी आप इंडियन सिस्टम में नंबर लिखते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, लास्ट में यूनिट 10 और 100 का एक एक फिगर, वो एक सर्कल बना लेते हैं आप, उसके बाद 1000 और 10,000 का, उसके बाद लाख और 10 लाख का, उसके बाद करोड़ एंड 10 करोड़ का, क्लियर है। यानी कि सिस्टम क्या चल रहा है आपका, पहले आपकी 3 डिजिट होगी एक उसमें, उसके बाद आपकी दो दो डिजिट्स में चलती जाएगी, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर है। तो यही हमें फॉर्मूला देखना है इसमें किस में होगा। देखिए आपका जो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन है 376, ठीक है, यूनिट 10, 100, ठीक है, 1000, 10,000, ये आगे दो में, उसके बाद फिर दो में दे दिया इन्होंने, ठीक है, लाख 10 लाख फिर करोड़, तो ये जो ऑप्शन है सेकंड है, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, 1 मिलियन इज इक्वल टू, जो आपका 1 मिलियन होता है किसके लिए होता है, वो आपका होता है 10 लाख से, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे डियर फ्रेंड, द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट थाउजेंड्स गिव
5000 इज, ये पूछा है आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, जिसको हम राउंड ऑफ करें तो 5000 आ जाए, ठीक है। देखिए जब हम 5001 होता है, यदि इसको 1000 पे राउंड ऑफ करेंगे तो 5 तो भी 5000 आएगा, ठीक है, और 5499, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा, 5000 ही आएगा, क्योंकि हम 1000 के जो 1000 ही आएगा, क्योंकि जो हम 499 है ये क्या आपका 500 से राउंड 500 से कम है, इसलिए हमने इसको राउंड ऑफ करा है जीरो पे। यदि ये 500 से ज़्यादा हो जाता तो हम 5000 से अबो ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उसका ऑप्शन 4, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट फाइंड करना है ना कि स्मॉलेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, कीपिंग द प्लेस ऑफ 6, आपको क्या करना है, 6 प्लेस को कीप करना है, यानी रखना अपने पास में एज द नंबर जहाँ पे भी 6 प्लेस की पोजिशन है, एंड सेम द स्मॉलेस्ट नंबर ऑब्टेंड बाय रीअरेंजिंग अदर डिजिट इज। देखिए सो 6 डिजिट है, 6 नंबर है, वो आपको एज इट इज रखना है जैसा कि इसमें दिखा रखा है। उसके बाद आपको जो ओल्ड डिजिट दे रखे 350947, इनको आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है, ठीक है, और उससे में क्या अपना करना है स्मॉलेस्ट डिजिट, ठीक है, 6 को एज इट इज रखेंगे जैसे कि हमने 6 को रख लिया। उसके बाद हमें स्मॉलेस्ट डिजिट फाइंड करनी, तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले छोटी वो लेंगे 0, 0 सबसे छोटी है तो हमें 0 ले ली, ठीक है। उसके बाद 0 से बड़ा क्या है 3, फिर 4, फिर 5, 3, 4, 5, उसके बाद 7 एंड 9, 7, 9। अब हम ये देखेंगे ये नंबर कहाँ पे है, 60, 3, 4, 5, 7, 9, 60, 3, 4, 5, 7, 9, ये रहा ऑप्शन थर्ड, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, आपको इनमें से ना हमारे पास चार स्टेटमेंट देंगे, 1, 2, 3 एंड 4, इन चारों स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट क्या है वो ट्रू नहीं है, क्लियर है, वो गलत है, वो आपको फाइंड करना है। देखिए जब हम 0+0 करते हैं तो हमारे पास 0 ही होता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। जब हम 0-0 करते हैं तो हमारे पास क्या है 0, ये भी हमारे पास क्या ट्रू है, मैं लिख देता हूँ ट्रू, ये क्या हमारे पास ट्रू, ये भी हमारे पास क्या ट्रू, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आएगी ट्रू। आप किसी भी डिजिट को आप 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनेटिव आता है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास कही 4, तो ये हमारे पास क्या है ट्रू नहीं है, तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास ये ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। डियर फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, यदि पसंद आए तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, और उन्हें भी कहें कि वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और यदि आपको कोई डाउट रहता है या कोई प्रश्न में भी आपको डाउट रहता है, चाहे वो जीके का हो, चाहे मैथ का हो, रीजनिंग का हो, ठीक है, चाहे इंग्लिश का हो, कोई भी हो, ये तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9255924411 पर, ठीक है, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं SSSANDEEP10786@gmail.com पर, या फिर आप कमेंट सेक्शन में आके हमसे शेयर हमसे पूछ सकते हैं, हमारी पूरी टीम उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल सनराइजर्स एजुकेशन विला, जय श्री राम दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।